तो गाइस आज मैं करने लगी हूँ भाई के साथ प्रैंक। किसी ने मुझे ना स्नैपचैट में मतलब नीचे कमेंट करके बताया था मोहसिन भाई के सारे हेयर प्रोडक्ट छुपा दिए, छुपाने लगी हूँ मैं आज। मैं इसको हटा कर मैंने इधर दो खाली वाले स्प्रे भी ला के रख लिए। तो गाइस ये स्प्रे मैं छुपाने लगी हूँ अपने स्कूल के बैग में, उसमें तो बहुत सारा था यार। वही तो गया था फिर आप इधर उधर रखा गया होगा, इधर ही देखते हैं उधर तो क्या ही होगा। इधर मेकअप में भी नहीं है, मैंने देख लिया सही से। मैं तो प्रैंक की मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया था। हे गाइस दिस इज मी सालिहा अहमद, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। तो जी गाइस आप लोग सोच रहे होंगे आज का मेरा बैकग्राउंड चेंज क्यों है, तो इसकी कोई वजह है वो मैं आप लोग को भी बताऊंगी। सो गाइस एक टाइम था कि मैंने आप लोगों को बोला था कि गाइस फाइनली मेरी छुट्टियां लग चुकी है, लेकिन आज ऐसा टाइम है कि आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। कैसी है ये अनहोनी हर रात हुई गम, कोई बात नहीं चलती रहती है छुट्टियाँ छुट्टियाँ, तो वही इसी का नाम तो ज़िंदगी है। वैसे तो आज ही मेरे स्कूल खुल गए थे लेकिन मैं आज स्कूल नहीं गई क्योंकि थक गई थी मैं थोड़ा, और आज मुझे वीडियोज़ भी शूट करनी है इसलिए। तो यस एंड आज जैसा कि आप लोगों को पता है जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो ये परमानेंटली होता है कि मैं वीडियोस ही शूट कर रही होगी आज। तो यस आप लोगों ने गेस सही किया है, 7 करोड़ जीत चुके हैं आप लोग। सो बस आज मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, आज मैं एक और चीज़ है जो बहुत शानदार होने वाली है मैं वो भी कर रही हूँ आज। और मैं यहाँ पर जो आई हूँ ना ये उसी चीज़ का भी रीज़न है कि मैं यहाँ पर क्यों आई। सो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। 1, 2, 3 तो गाइस आज मैं करने लगी हूँ भाई के साथ प्रैंक। आज होने वाला है भाई के साथ प्रैंक, और प्रैंक ऐसा है किसी ने मुझे ना स्नैपचैट में मतलब नीचे कमेंट करके बताया था कि सानिया आप ना वो मोहसिन भाई के सारे हेयर प्रोडक्ट छुपा दो, लेकिन मैं सारे नहीं छुपाऊँ क्योंकि अगर मैंने सारे छुपा दिए तो भाई को पता चल जाएगा कि मेरा ही कोई प्लान है और मैंने ये सारे छुपाए प्रैंक करने के लिए। इसलिए मैं सारे तो नहीं छुपाऊंगी, कोई भी एक प्रोडक्ट छुपा दूंगी एंड देखती हूँ मैं कहाँ छुपाती हूँ। मैं सोच तो रही हूँ फिर भी, पर पता नहीं ऐसी जगह छुपाऊंगी क्योंकि अगर मैंने कपड़ों में छुपाया और या फिर हमारे मेकअप में छुपाया तो भाई वहाँ पर से ढूंढने लगे। मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि भाई का गेस भी नहीं जाएगा वहाँ पर, और मैं भाई के साथ एक्टिंग करना शुरू कर दूँगी कि कहाँ गया भाई, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दूँगी। सो अभी तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ एंड भाई अभी तो रेडी नहीं होंगे क्योंकि हम लोग पहले मेरी वीडियो शूट करेंगे देन भाई की करेंगे। सो अभी पहले मैं मेरी वीडियो शूट कर लेती हूँ देन भाई से मिलाती हूँ आप लोग को, फिर हम ये स्टार्ट करेंगे प्रैंक करना। सो यस गाइस मेरा दिमाग चेक करो आप लोग, मैंने क्या किया था इधर आकर और जी वाला गेट भी लगा दिया ताकि भाई को नहीं पता चले, और जिस रूम में मैं हमेशा व्लॉग शूट करती हूँ ना भाई उसी इधर है, सॉरी भाई उसी वाले रूम में। हेलो भाई कैसे हो, कैसे हो? क्या कर रहे हो आप? फिर नान धो के निकला हूँ, बस नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, फिर हम लोग वीडियो शूट करेंगे ना? जरूर करेंगे, अभी तेरी कर ले फिर अपन करेंगे। ठीक है Later that same evening. तो गाइज अभी हम लोग आए थे मेरी बाहर वीडियोस बनाने के लिए। सो मैं लोकेशन दिखा दूँ पहले आप लोगों को, देखो प्यारा सा सनसेट होने वाला है अभी, और देखो कितने ज़्यादा कब्बू से पीछे ये उन लोगों को खाना डालते हैं, तो फिर देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा वो आते हैं, और ये देखो इधर से भाई भी आ रहे हैं। चलो भाई देखना सीन देखना। अब खाने उनको है ना? खाने तो उनको चेंज। ओ देखो एक बार कितने सारे हैं। चले फिर कर। मजा आ गया। तो जी गाइस जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं वीडियोस बना के फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट ले रही हूँ, मैंने बताया था आप लोग को वीडियोस फ्री होके मैं शॉर्ट लूँगी। सो यस अब मैं वीडियो बना के फ्री हो चुकी हूँ एंड आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वहाँ आप लोग को कुछ बताने वाली थी लेकिन फिर मैंने नहीं बताया, और वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई आ गए थे। लेकिन वो बात ये है कि आज मैं भाई के साथ प्रैंक नहीं करने वाली हूँ
क्योंकि आज ना मतलब भाई ने खुद की वीडियोस भी नहीं बनाई तो वो रेडी भी नहीं हुए, इसलिए मैं उनका स्प्रे भी नहीं छुपा पाई। मैंने सोच लिया था कि स्प्रे ही छुपाऊंगी पर वो मैं नहीं छुपा पाई, कोई बात नहीं। लेकिन भाई उनकी वीडियोस कल शूट करेंगे तो मैं इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी। और अभी मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लूँगी एंड देन फिर शाम ही हो गई, अब तो 6:30 बज गए हैं। सो अब खाना शाना खा के फिर थोड़ा नेटफ्लिक्स चलाऊंगी एंड देन फिर सो जाऊंगी। सो यस, इसलिए हम प्लैंक कह रही हूँ, मेरे दिमाग को क्या हो गया, इसलिए मैं प्रैंक कल कंटिन्यू करूँगी और देखते हैं क्या होते हैं। होप फॉर द बेस्ट एंड इसके बाद ही कल वाला शॉर्ट जुड़ जाएगा। सो यस, लेट्स सी, बाय बाय। द नेक्स्ट डे, तो गाइस फाइनली गुड मॉर्निंग, डे टू है आज। और अभी भाई को मम्मा ने बाहर भेजा, पता नहीं कुछ लेने शेने, तो इसलिए मेरे को मौका मिला, इसलिए मैं जल्दी से आज तो उठते से ही रेडी होके बैठ गई थी। एंड अब चलो काम को ठिकाने लगाते हैं, छुपाने लगी हूँ मैं आज। ये भाई का है तो मैं इसको हटा के, मैंने इधर दो खाली वाले स्प्रे भी ला के रख लिए, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे रख दूँगी ताकि भाई को लगेगा कि मतलब इनमें से कोई एक होगा। चलो रख रही हूँ मैं, ओके डन। और इसको मैं कहाँ छुपाऊँगी, आप लोग ने गेस किया यानी किया, मैं बता देती हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही ऑन टॉप है। तो गाइस ये स्प्रे मैं छुपाने लगी हूँ अपने स्कूल के बैग में, इस साइड पे छुपा देती हूँ, भाई का तो ध्यान भी नहीं जाएगा है ना। तो इसको अब मैं लगा देती हूँ और इसकी जिप भी लगा देती हूँ। अरे क्या हो रहा है, हाँ चलो लग गई अब, ठीक है। भाई को तो समझ भी नहीं आएगा कहाँ गया, भाई ढूंढते रहेंगे, मैं एक्टिंग शुरू कर दूंगी कि वो तो रहा भाई, ये देखो ऐसे ऐसे करके, देन फिर हमारा प्रैंक सक्सेसफुल हो जाए। बस आप लोग प्रे करो, होप फॉर द बेस्ट। सो लेट्स सी, अभी भाई आने वाले, मैं दिखाऊंगी आप लोग को जब वो आएंगे। पहले मैं इसकी जेब अच्छे से लगा देती हूँ, इसको यहीं पे रहने देती हूँ या फिर कहीं भी रख देती हूँ। सो चलो लेट्स गो, मजा आने वाला है। तो गाइस फाइनली जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि भाई बाहर गए हुए थे, तो फाइनली भाई आ चुके हैं। ये रे इधर, भाई जल्दी रेडी हो जाओ, आपको बताया ना 2-3 दिन से लाइट जा रही है गाइस, सुबह लाइट जल जाती है। कैसा काम है यार, मतलब कि यार है ना, हम ना वीडियो बनाने की सोचते हैं जैसे कि 10-11 बजे हम रेडी हो जाते हैं, और होने के बाद पता लाइट कितने बजे आती है, 5 बजे। अब इंसान की इच्छा ही मर जाती है, तो ना तो वो फिर वीडियो बनाता है ना क्या, और कपड़े अलग पहन लेता है, रेडी हो जाता है। अभी भी मेरी इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल, और वाकई में साले आज लाइट आया बावजूद भी मेरी इच्छा नहीं है, बता आप क्या करें। लाइट आ रही है, बनाना फिर भी मेरी इच्छा नहीं है, नहीं बना क्योंकि साले रेडी हो गई है, साले का घर रही है, पर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है बनानी है, मेरी तो कल ही बन गई थी, क्योंकि फिर अभी मुझे नहाना पड़ेगा, फिर वापस रेडियो में। सुबह क्या हुआ, मैं सोच रहा था कि भाई रेडियो जाऊँ वीडियो बनानी है, पर लाइट नहीं आ रही थी, मैंने कहता यार फिर जब लाइट आएगी ना, जबकि एक तो फिर रेडियो जाऊँ क्या मतलब आ रहा है यार, तो फिर अब नहाना पड़ेगा फिर वीडियो के लिए, तो अब क्या करें, नहा लो कुछ नहीं होता, अरे मेरी इच्छा नहीं हो रही यार, या पहले वीडियो बना लो फिर। गाइस सर्दियां आ गई है, जितना हो सकते है बाल्टी और पानी से बचो, बिल्कुल राइट है ना, अब नहाओ 5-5 दिन में, हफ्ते में एक बार नहाओ, संडे संडे। ये भाई यही करते हैं इसलिए यार, मेरी बात सुनो, देखो अरे घर का भाई, अपने घर का पानी क्यों बिगाड़ो आप, नहीं है मतलब पानी नहीं बचाते हैं, कम से कम मैं पानी इसलिए बचाता हूँ इसलिए क्योंकि सालिया मुंह धो सके, क्योंकि मुंह नहीं धोती है ना दिन भर। ये गाइस ये बात है, तो भाई जल्दी रेडी हो जाओ, अब सारी बात आपके ऊपर है कि आप कब रेडी हो गए, अगर आपने ढीला ढीला बरता तो फिर लाइट चल जाएगी वापस, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, बरता इसलिए मैं खाता हूँ बैंगन का भरता, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, होके आओ जल्दी, जा रहा हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोग बताऊंगी भाई कैसे रेडी होते हैं, सो चलो लेट्स गो, थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, जा 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 कबूतर। अरे भाई देखो कैमरा बंद है और कब वापस में लेट गया, नहीं चलो रेडी हो जल्दी से। तो गाइस आप लोग देख सकते हो भाई इधर रेडी हो रहे हैं, बाल सेट नहीं कर रहे क्या भाई आज, बाल ऐसे सेट रहते हैं यार, कुदरती बाल है ना यार, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे इतना लगा रखा है बालों में, क्या करो काय का पैसा, मैंने तो सोचा था आज आपको तैयार होते हो दिखाऊंगी, और आज ही आप नहीं कर रहे कुछ, नहीं नॉर्मली रहते हैं अपन, ज्यादा तैयार नहीं होते यार, वैसे आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, मैं बताऊं तो अच्छे लग रहे हैं गाइस, को अच्छे लग रहे हैं, कमेंट में बताना मेरे हेयर किसको अच्छे लगते हैं, मैं टिप्स दूंगा आपको, पूरा व्लॉग बनाऊंगा हेयर पे, पर मुझे इस व्लॉग में कमेंट चाहिए कि हां मैं हेयर टिप्स चाहिए भाई, क्या लगाना चाहिए, सीक्रेट ये है ना भाई, कुछ भी नहीं है, स्प्रे तो लगाता ही नहीं, बहुत कम लगाता हूं, मतलब कि कहीं जाता हूं ना जब ऐसा लगता है कि यार बाल हिलने की संभावना है तो वहाँ लगाता हूँ, बाकी अभी तो नॉर्मल देखो कुछ भी नहीं लगा रखा है मैंने, आज क्यों नहीं कर रहे आप बाल सेट, वरना हमेशा तो करते हो, नहीं नहीं ऐसे ही आज ऐसे ही वीडियो बनेगी, नीचे नीचे लग रहे गाइस देखो, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे भी रहना चाहिए यार, फोटो खींच के और मुझे मेंशन कर दो सारी उम्र मैं जोकर। चलो सल्लू होगी रेडी तू, हाँ वो तो गई, मैं आती हूँ मैं भी एक मिनट में। गाइस मेरा तो पॉपट हो गया भाई, हमेशा वो लगाते लेकिन आज नहीं लगा रहे, मतलब भाई को बता दो मैं चल गया, वैसे जितना मुझे याद है मैं कोने में जा जा के बनाया था मैंने, तो मुझे याद है कि भाई ने तो
मतलब नहीं सुना होगा, तो चलो थोड़ा और फोर्स करते हैं भाई को। और यार मैं तो प्रैंक की मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया था। हाँ तो भाई लगा लो ना स्प्रे। क्या स्प्रे लगा लो? थोड़ा लाइट शेडी हो जाओ। लाइट काम कैसे नहीं कर रही सब लोग? ये उस दिन आपने गिरा दी थी ना इसलिए। मैंने नहीं गिराई यार, ये चल ही नहीं जाने की। क्या पता जाने क्या हो गया इसमें, चल लो। तेने खराब किए ना? मैंने नहीं की, तेने गिरा दी इसको। भाई आजा, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे सच में। बस ऐसे आके बाल देखो एक बार, कितने गंदे लग रहे। अच्छे तो लग रहे हैं यार सब। नहीं लग रहे, मुझे तो बड़े लग रहे हैं यार। नहीं लग रहे सच्चे में। अरे यार मैंने जमा रहा है आज, क्योंकि यार अरे फिर जमाते वो दिक्कत आती है बालों में यार। फिर वो क्योंकि ना स्प्रे लगाते हैं ना अपन, जिससे क्या होता है फिर पूरे दिन रखते हैं ना, तो अलग ही टाइट टाइट रहते हैं यार, जो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते। तो आप हमेशा क्यों लगाते हो फिर? वो तो कभी कभी बाहर जाता हूँ ना मैं, ये कभी वीडियोस में लगा लेता हूँ इसे, आज मगर आज इच्छा नहीं हो रही। लगा लो देखो पीछे पड़ा है। तू इतना क्यों फोर्स कर रही है? ऐसे मैं तो कह रही हूँ आपके भले के लिए। अब देखो मेरा भाई अच्छा लगेगा तो मुझे तो कहना ही पड़ेगा। अच्छा लग रहा हूँ यार, इतना अच्छा। नहीं लग रहे हो? नहीं लग रहे हो? स्मार्ट लग रहा हूँ गाइस। नहीं लग रहे हो? स्मार्ट लग रहा हूँ? नहीं लग रहे हो? रोज रोज भी लगाना चाहिए, खराब हो जाता है, बाल भी खराब होते हैं। रोज रोज लगाना, कभी कभी लगाना चाहिए, और क्या मतलब आया फिर, अभी वो खत्म भी हो जाएगा फिर नया लाओ, इसलिए थोड़ी बचत करो ना। देखो दो दो पड़े आपके पास, तो पड़े रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फुल फुल हो गए। चलो सल्लू रेडी हो जाते हैं। होगी तू रेडी? हाँ भाई। तो, देखो इसमें है कि नहीं? इसमें तो खाली है यार, या तो खाली है हल्का सा इसमें, ये तो पहले वाला है। ये फुल होगा फिर है ना? क्या वो होगा ना फुल? लो मत कर, खत्म हो गया यार अभी, खत्म हो गया ये वाला, देख लग रहा है। ये तो खाली है। तो फिर स्प्रे कहाँ गया आपका? खत्म तो नहीं हो गया है? क्या बता? खत्म हो गया तो क्या बता यार, ये लगा भी लिया था मैंने दो तीन बार, जो खत्म हो गया तो क्या होता। कितने स्प्रे थे आपके पास? यार मेरे पास तो यार तीन या चार ऐसे कुछ थे। तो दो और कहाँ है यहाँ पे? तो दो ही देखो, बाकी दूसरे सामान पड़े हैं। यार अभी तो लाया था मैं के साथ, खत्म तो बस। देख आवाज तो रियल खेल गई तो ये, मैं जब मैंने परसों के दिन देखा तो उसमें तो बहुत सारा था। सकता यार, सल्लू यार। वही तो गया कहाँ फिर आपका? या तो इधर उधर रखा गया होगा, मैं उधर देख के आती हूँ। गाइस चलो भाई का स्प्रे देखते हैं, न्यू इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इधर तो पूरा अंधेरा हो रहा है गाइस, उधर भी नहीं मिला भाई का स्प्रे। थोड़ा मेकअप में भी देख लेती हूँ, क्या पता मेकअप में हो। कैसे होगा मेरा तुम्हारे बारह का ये गाइस? यहाँ पे भी दूसरी चीजें हैं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो चांस ही नहीं होने का भाई। नहीं है आपका स्प्रे उधर भी? कहाँ तो नहीं है क्या? हाँ मेकअप में भी नहीं है और उधर वाले कॉर्नर पे भी नहीं है। फिर अब क्या करे? फिर अभी तो मैं ऐसे भी लगा रहा है यार। फिर आप शादी आदि में जाओगे तो न्यू ले आएंगे, पैसे कमी है क्या? अरे यार ढूंढो स्प्रे। क्यों ढूंढो? जो स्प्रे ढूंढो पागल, अभी वीडियोस बना लेते हैं ना, बाद में ढूंढ लेंगे। ढूंढो वीडियोस बना के पक्का ढूंढेंगे। अभी हाल तो पहले वीडियोस बना लेते हैं यार, लेट हो जाएंगे। अभी लाइट चल जाएगी, सब तो समझ नहीं। आप नहीं ढूंढोगे हैं? क्या पता कोई ले तो नहीं गया, क्या पता वो बच्चे आए थे वो ले तो नहीं गया, आप उनके सामने बाल सेट कर लेते। ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर अभी तो वीडियोस तो बना ले, उसके बाद ढूंढेंगे। घर ज्यादा बड़ा नहीं है अपना, छोटा, ये गरीब आदमी है अपन, गली में घर है, फिर भी काजू बादाम खा के दिन चला रहे हैं। टेंशन ले रही, पहले वीडियोस कंप्लीट कर लेते हैं। लाइट चल गई ना तो फिर 5 बजे तक बैठा रहना पड़ेगा। ठीक है तो गाइस फाइनली इधर लाइट भी जा चुकी है भाई। गाइस मनोज के कारण लाइट जा चुकी है, मैं कब से कह रहा था इससे कि बस बना ले वीडियो, बना ले वीडियो, बना ले, फिर भी देखो अब लाइट चल गई ना, अब बैठे रहो। अब ये चल रहा है और एक फैन चल रहा है, इससे बड़े तो मैं नाता भी नहीं, सो जाता है यार, जो सही रहता है यार। ये सही बात है, सल्लू ऐसे करती है। रेडियो के भी बिना रेडी हुए लग रहे आप? मैं तो ऐसे लगता हूँ ना यार, मैं तो ऐसे ही स्मार्ट हूँ यार। गाइस को पता है, कमेंट में बता दो ऐसे स्मार्ट हूँ। मोहसिन भाई आप तुम नहीं नहाओगे तो भी जमोगे। भाई आपके बाल देखो किधर उधर जा रहे हैं। चलो वो इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हैं आपके, बताओ बच्चे तो नहीं लेके गए। ये आजा, तेरे तेरी कहा ये कहना भी कबूल करते हैं, आजा। चलो चलो इधर होगा। गाइस जितनी भी लाइटें चल रही है सारी इन्वर्टर चल रही है, थोड़ी देर में हमारा इन्वर्टर भी लो हो जाएगा। अब देखो फिर भाई ढूंढ रहे हैं। मिला? चलो फिर इधर ही देखते हैं, उधर तो क्या ही होगा, इधर मेकअप में भी नहीं है, मैंने देख लिया सही से। अब नहीं मैं हूँ कह रही हूँ, उधर तो कपड़े, उधर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता इधर तो। वैसे मैं इसमें क्यों ढूंढ रहा हूँ? हाँ वो तो नहीं पड़ा रहता होगा ना यार, मजा भी नहीं आ रहा।
उधर कौन रखेगा? बच्चे ले गए भाई आपका स्प्रे। गाइस आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैंने ना मेरी वाइफ के ना अभी स्प्लेंडर लाया ना, उसमें देखो मैंने ये मेरा ही है सल्लू का चुरा के लगा लिया, कितना शानदार लग रहा है टेडी। इसको अपन जिम में रखते है ना, शानदार देखना कितना तगड़ा लुक आएगा। इसको रख लिया अपन ने इसे, ये चलो आ जाओ, जो मेन काम है वो करते हैं अभी तो। अरे नहीं मिल रहा तो क्या करें यार संजू यार। तो भाई आप अभी शादी में भी जाना है अपन को थोड़े दिन बाद। खाओ यहाँ पे तो पुराना वाला है, देख लो एक मेरा गुड्डा गिर गया, ढूंढो गुड्डा गिर गया। हाँ ढूंढो अब, मिल इसमें तो नहीं है। किसमें? उसमें। इसमें भी नहीं है। कहाँ रख दिया आपने ऐसा? कौन से जमाने का चश्मा मिला है? ये तो कुछ ही नहीं, एक और बताती हूँ। ये अलग लगा। अरे काने में क्या ला? ये अलग लगा। गाइस देखना इसका कान टूट रहा है, पर ये लड़कियों का है। मैंने संभाल के रख रखा है, दोनों लड़कियों का वाले ये। यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया भाई का स्प्रे? व्लॉग का टाइटल होगा भाई का स्प्रे गुम गया। क्या कर सकते अब भाई पर, क्या हो गया? मगर तू इतना मतलब कितनी जबरदस्ती क्यों कर रही है? अरे मैं स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि मम्मी चिल्ला दिया, आप हमेशा नए नए स्प्रे लाते रहते हो। गाइस दाल में कुछ काला है, जब भी तू बार बार स्प्रे कर रही, इतनी तो जिद करती नहीं है तू। गाइस मुझे लगता है इसने छुपाया, तेने छुपाया ना? मैं क्यों छुपाऊंगी, मैं तो बाल भी नहीं बनाती उस स्प्रे से, मेरे को क्या मिलेगा? तेने छुपाया तो बहुत छानी, जब भी तू बार बार कहती ढूंढो भाई यार ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इतनी जिद कैसे कर रही है तू? मेरे को क्या काम हो सकता है स्प्रे से? आप चाहो तो मेरा ब्लॉग भी चेक कर सकते हो, मैंने छुपाया भी नहीं। ब्लॉग कहाँ से चेक करूँ, अभी तो डाला ही नहीं, कहाँ से चेक करूँ? अभी तो शॉर्ट चेक कर सकते हो आप। अभी करूंगा रुक, अभी ये करते ही करूंगा देख। गाइस इसने छुपाया मुझे पता है ये, मैं क्यों साथ... छुपाऊंगी भाई, मैं से झूठ बोल रही हूं। देख लो भाई नहीं मिलेगा आपको, मैंने छुपाया ही नहीं। ये मेरा भाई बहुत चालाक है। गाइस देखो एक ही चीज पास आ रहा मिल गया। माँ कसम इसने मुझे नहीं बताया कि भाई यहाँ छुपा रखा है मैंने। अरे देख बंदू इसे कहते हैं अगली बार आप प्रैंक करोगे ना देखना, मेरे ऊपर भी काम नहीं करेगा, मैं आपसे ज्यादा चालाक हूँ, मेरे में आपसे ज्यादा दिमाग है। कहता हूँ सल्लू बाप बाप इधर बाप, मैं ही सबको बता तेरी भूल जाएगा पागल। और देखो ये कितना भरा हुआ है, बहुत भरा रहा, उसमें आवाज आ रही, फुल भरा हुआ है। मुझे बताना क्योंकि मैं नया लाया था अभी, हल्के नाम से खाली हुई नहीं। तो गाइस क्या ही कर सकते हैं, अब भाई ने पकड़ लिया, प्रैंक गोन ब्रॉन हो गया। तेरे मेरे साथ प्रैंक किया था? तो प्रैंक ही तो था है। प्रैंक था क्या? तो मगर तेरे प्रैंक पे तो मैंने स्प्रे फेर दिया। अरे सल्लू नाकाम हो गई। गाइस ये यार अपन से तो जीत सकते हैं, मैं करूंगा सल्लू को बहुत जल्दी प्रैंक, मतलब कि इसको पता भी नहीं लग पाएगा ऐसा प्रैंक करूंगा, इस पर देखना करके देख लेना। हाँ देखना इसे, तुझे पता भी नहीं चलेगा, फील भी नहीं होगा कि यार भाई ने ऐसा कैसे कर दिया यार, मतलब देखना तुम। आपसे ज्यादा दिमाग है मेरे में, एक बार में जो भी छुपा होगा जो भी कुछ करोगे, मैं मना थोड़ी करूंगा। घुटनों में नहीं है, सर में ही है, सर में ही है, नहीं है तेरा दिमाग, नहीं है। गाइस कमेंट में बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा ना? छपरी छपरी ना बोलिया कर छोरी रे, दो जुड़ो वाली छोरी सल्लू। सल्लू एक बात है, तेरा मतलब है ना, तेरे जितने भी मतलब फ्रेंड्स है ना, तुझे दो जुड़ों से बहुत जानते हैं, मतलब पहले तू मास्क भी लगा लेगी ना तब भी पहचान लेंगे तुझे दो जुड़ों से, ये बहुत वायरल है तेरे दो जुड़ों। क्या करे गाइस, भाई ने पकड़ लिया, मैं अगला प्रैंक ऐसा लाऊंगी कि भाई मतलब मजबूर होके वो काम करना ही पड़ेगा भाई को। आज तो क्या भाई वीडियो बनाते ना तो बहुत सी बार वाल सेट नहीं करते, इसलिए भाई ने नहीं ढूंढा है ना भाई, वरना जब बाहर जाते हैं शादियों में तब छुपाना चाहिए था मुझे, तब तो आप हमेशा ढूंढते हो। अब देखते हैं गाइस, जब भाई का कुछ गुम जाता है तो भाई पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, मेरा ये गुम गया वो गुम गया, बहुत बुरा लग रहा, मत करो। तो गाइस सालिया के मुंह पे दिख रहा है, सालिया मुझसे जब भी हारती है कैसे मूड हो जाता है इसका। गाइस कोई बात नहीं, अगला प्रैंक आप लोग मुझे ऐसा सजेस्ट करना बिल्कुल खतरनाक, तो मैं अगला प्रैंक ऐसा करूंगी कि भाई की धरती हिल जाएगी। धरती कहां से लेगी, मैं पहले कमेंट हिला दूंगा तेरा, कमेंट में देख लूंगा क्या कह रहे हैं।
पढ़ लूंगा मैं। तो आपको थोड़ी पता कौन सा क्या करेंगे? मैं तो हर चीज चेक करता हूं। स्नैपचैट पे भी लोग बोलते हैं वहां थोड़ी पढ़ोगे आप। मुझे पता है ना साले अहमद की फैमिली कितनी स्ट्रांग है, सब चेक करता हूं मैं भाई, कौन कमेंट कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबको पता है, मेरे को सबकी पता है, चिंता मत कर। कोई बात नहीं गाइस, अब अगला प्रैंक मुझे ऐसा सजेस्ट करना कि बिल्कुल मजा आए, भाई देखते हैं, पर भाई को याद ही नहीं था क्योंकि बुद्धि कमजोर है भाई की, इसलिए। सो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आप सभी लोगों ने देख लिया, हर तरफ नजर रहती है पर स्नैप पे मैं नहीं रह पाता एक्टिव, सल्लू चलाते हैं। तो गाइस स्नैप पे बताना आप सभी लोग, बाकी देख लेना आप, अगर स्नैप पे बताओ तो वहाँ भी एक्टिव हो जाऊँ तो क्या पता। नहीं रहोगे भाई स्नैप पे, नहीं रहते गाइस स्नैप पे, आज जरूर जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में भर दो बहुत सारे आप लोग प्रैंक बताओ। सो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, आप लोगों ने देख लिया प्रैंक कितना मनहूस और कितना गंदा था। सो यस अगला प्रैंक आप लोग बहुत अच्छा बताना मुझे, नहीं पहली बार क्योंकि तेरा भाई है ना इस व्लॉग में, तो मजा आ गया होगा उनको। चलो चलते हैं, गुड न्यूज। गुड न्यूज भाई ने क्या कहा? गुड न्यूज क्या? गुड न्यूज अरे यार गाइस, गुड न्यूज में नहीं, गुड नाइट में काफी नहीं हुआ, मिक्स कर दिया भाई ने, तो चले हो ना आप, इसलिए चलो बुई बुई बाय। सो गाइस कैसा लगा आप लोग को व्लॉग कमेंट में बता दा, मेरा तो आज खून ऊपर से नीचे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगला प्रैंक मैं ऐसा करूंगा ना भाई के ऊपर क्या। सो यस गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका बहुत सारा प्यार बरसाना, और नए व्लॉग के लिए स्टे ट्यून रहना, और जरूर बताना मैं अगला व्लॉग कौन सा बनाऊं। सो बाय शुम।